नमस्कार दोस्तों, आगरा की रसोई में मैं वर्षा वर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ सालों साल चलने वाला हरी मिर्च का अचार। डालना बहुत आसान है, बहुत ही कम मसालों के साथ इसे हम बनाएंगे, बहुत दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करें, ट्राई करके मुझे कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए हमने ली है यहाँ 250 ग्राम हरी मिर्ची। तो इसको धो के अच्छे से पोंछ लिया है। अब इसके हम ये डंठल को निकाल देते हैं इस तरह से। इसे काट कर एक मिक्सिंग बाउल में रख लेंगे। तो इस तरह से लंबा कट किया है, बीच में से दो पीस इस तरह से कट। इसी तरह से बाकी की मिर्ची काट के भी तैयार कर लेंगे। तो साइज़ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कुछ छोटा कुछ बड़ा। इस तरह से सारी मिर्ची काट के रेडी कर लिए हैं। अब इसके लिए मसाला तैयार कर लेंगे। मिर्ची का मसाला बनाने के लिए गैस पे एक पैन रख दिया है। इसमें हम 4 चम्मच सौंफ डाल देंगे, 2 चम्मच भर के राई, 5 से 6 काली मिर्च। इन मसालों को हम 2 मिनट रोस्ट कर लेते हैं। तो हल्का सा ही इन्हें भूनना है कि जिससे इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। मसाले को 2 मिनट भून लिया है, इसमें से खुशबू आ रही है। तो अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा करके मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। मसाले को मैंने दरदरा पीस लिया है। तो देखिए कितना अच्छा हमारा बढ़िया मसाला पीस के तैयार हुआ है। इस मसाले को मैं मिक्सिंग बाउल में डाल देती हूँ, मिर्ची वाले में, जो मैंने मिर्ची काट के रखी है। अब इसमें कुछ और मसाले ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच काला नमक। तो काला नमक से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप इसे ज़रूर डालें। 1/4 चम्मच कलौंजी, इसे मगरेल भी कहते हैं, तो इसे भी डाल देंगे। तो इससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। 2 चुटकी मैंने हींग ली है, तो हींग को भी डाल देते हैं। 1 चम्मच अमचूर पाउडर, अचार को खट्टा करने के लिए, तो इसे हम तुरंत भी खा सकते हैं। सभी मसाले इसमें जा चुके हैं, तो अब हम इसमें तेल डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया है। तो तेल को अच्छे से गर्म करके इसे ठंडा कर लिया है, तो इसे डाल देते हैं। तो 1 बड़ा चम्मच तेल डाला है, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दो चम्मच इसमें विनेगर डालेंगे, तो ये व्हाइट वाला विनेगर है, जिससे मिर्ची हमारी ख़राब नहीं होगी, सालों तक चलेगी। तो 2 चम्मच करीब काफ़ी है। तो इसे भी डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और देखिए बातों ही बातों में हमारा अचार एकदम बनके तैयार हो गया। और इसे आप सालों तक रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। बस मिर्च का अचार रेडी है, तो इसे किसी डिब्बे में स्टोर करके रख देंगे। तो इसमें पहले हम 2 चम्मच करीब तेल डाल लेंगे और इस अचार को इसमें शिफ्ट कर देते हैं।